अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आजम। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो स्पेशल इंटरेस्ट पे है, एक स्पेशल लेक्चर है। स्पेशल इसलिए है कि जो हमारा करंट सिनेरियो है, आजकल मैंगो की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो इससे रिलेटेड स्पेशल जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज जो मैंगो हार्वेस्टिंग से कंसर्न है, उन पे एक ट्रेनिंग करवाई थी USAID ने, तो उससे रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। उससे पहले आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। नबी मेहरबान सल्लम ने हमें ज़िंदगी के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कॉमन है कि लोग अक्सर सुसाइड करते हैं। सुसाइड, हर वो बंदा उसका माइंड सुसाइड की तरफ जाता है जो अंदर से खाली होता है, जिसका अपने मालिक के साथ लिंक नहीं होता, जिसको इदराक नहीं होता कि उसको किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। जो मादी चीज़ें हैं वो जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करते हैं, जो रूह की ज़रूरत है वो मालिक का कुर्ब है, मालिक के साथ उसकी बंदे की अटैचमेंट है। जब तक बंदे का अपने मालिक के साथ उसकी अटैचमेंट नहीं होगी तो उसकी रूहानी गज़ा जो है वो पूरी नहीं होगी। जब रूहानी गज़ा पूरी नहीं होगी तो फिर जो जिस्मानी आसाइशें हैं वो भी उसको फ़ायदा नहीं दे सकेंगी। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड लेक्चर है जो कि मैंगो की हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें मैंगो की हार्वेस्टिंग से लेके उसकी फाइनल जो है वो प्रोसेसिंग तक या फाइनल उसकी मार्केटिंग तक सारे स्टेप्स को कवर किया गया है, ठीक है। आपको पता है कि एक जो फार्मर होता है वो एक कंप्लीट स्टेप्स में से गुजरता है। जब पहले वो उस चीज़ को सो करता है, फिर उस दरख्त को या उस फ्रूट प्लांट को प्रॉपर उसकी केयर करता है, स्प्रे करता है, फर्टिलाइजर अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसको एक पूरा एक उसका साल लग जाता है इन चीज़ों को करने में, ठीक है। लेकिन जो उससे फ्रूट होता है उसके ख़राब होने के लिए कितनी देर चाहिए? 4 घंटे 5 घंटे वो फ्रूट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स नीडेड हैं जब हम हार्वेस्ट करते हैं उससे लेके मार्केटिंग तक, तो इस वीडियो में सारे आपको वो स्टेप्स मिल जाएंगे। तो ये जो लेक्चर है ये आपके सिलेबस का पार्ट होगा, ठीक है, और इसमें से भी आपके एग्जाम में से कुछ ना कुछ जरूर शामिल होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, और इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और मैंगो की क्लीनिंग से लेके प्रॉपर उसकी पैकिंग तक, इसमें सारी चीज़ों को नोट डाउन करें। थैंक यू।